अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग चिकन घोटाला बनाने वाले हैं। चिकन घोटाला, उसमें अंडे आएंगे, चिकन के अंदर अंडे। बहुत डेंजर वाली रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब मुझे खुद नहीं पता है कि इसका टेस्ट कैसे होगा। बस मैंने जस्ट सोचा और मैंने सोचा कि ये बनाना है, अंडे में कुछ एंटिक बनाना है और मैं बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना बनता है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरी रोटी चैलेंज मिला है मुझे कि रोटी फूलती है या नहीं फूलती। चलिए देखते हैं मेरी रोटी फूलती है या नहीं फूलती है, वीडियो में बताऊंगी मैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो हम सबसे पहले रोटी कैसे फूलती, आज चैलेंज लिया है मैंने कि रोटी फूलनी ही चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आटा ले लिया, इसको हम पेड़ा बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिए। छोटी सी रोटी बनाई एंड उसके बाद तेल लगाया, उसके बाद आटा लगाऊंगी, इसके बाद इसको तेल लगा के वापस आटा, ये त्रिकोण बना लिया एंड फिर यस ये आटा हो गया। गोल गोल रोटी बनाना है, फिर इसको रोटी पलटा लेना है, पेड़े को पलटा लेना है, फिर इसको हम बेलते जाएंगे जो सल वाले भागे। कैसे बनाते हो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसे ही बनाते हो ना। फिर मैं कॉर्नर पे बेलन मारती हूँ, सिर्फ कॉर्नर पे बेलन मारती हूँ, बीच में बेलन नहीं मारती। तो यस मेरी रोटी बन जाती है। आप कैसे बनाते हो और पेड़ा बोलते हो कि आप क्या बोलते हो आपके यहाँ पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। एंड मेरी रोटी है ना आज फूल नहीं रही थी, अब आज वीडियो बना रही थी इसीलिए नहीं फूल रही थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ना सोच में पड़ गई कि रोटी क्यों नहीं फूल रही है भाई साहब, लेकिन नहीं फूली। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फूली, लेकिन इतनी इतनी फूलती है, कभी कभी तो इतनी गोल फूलती है कि मेरा हाथ जल जाता है। जब वीडियो शूट करने का मौका है ना तभी रोटी नहीं फूली। क्या आप ऐसे करते हो, चार रोटी लेके आप रोटी को सेकते हो, ऐसा कुछ किया है आपने कभी? तो रोटी देखो गोल गोल फूलती है मेरी, कभी कभी फूल जाती है, कभी कभी नहीं फूलती। तो आज हम जो बना रहे हैं ना उसके लिए हमने जो चिकन की बोटी है ना वो इतनी इतनी ली है। देखो मैं हमेशा से कुछ इनोवेशन इनोवेशन खाने में करती थी। लोग कपड़े में इनोवेशन, घर में इनोवेशन लाते हैं। उसमें दही डाला है 5-6 चम्मच और ये बेसिक से मसाले, ये वाला जो मसाला है ना गरम मसाला नहीं है, ये चिकन पहाड़ी का मसाला है। जीरा है, धनिया पाउडर है, चिपटी हल्दी है एंड मैं लहसुन ज़्यादा डालती हूँ हमेशा, क्योंकि लहसुन से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। एंड थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक का मुझे हमेशा से डर रहता है कि भाई नमक ज़्यादा गया तो आ बनेगी और खाना सही नहीं बनेगा। इसको आप अच्छे से मिक्सअप कर सकते हो, इसमें आप सॉस भी डाल सकते हो। मैं सॉस डालूंगी अभी एंड इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी प्याज जो काट के रखी बहुत बारीक बारीक, और एक साइड में हमने एक छोटा सा काम किया है, 4 बॉइल्ड एग मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं, मुझे गर्म भी नहीं लग रहा है, वाह वाह। और एक साइड में मैंने क्या किया है कि रोटी के पेड़े भी बांध लिए हैं। क्या आप ऐसे ही पेड़े बनाते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। किचन इतना छोटू सा है, देखो कितना ज़्यादा सामान रहता है, क्या करेंगे मैनेज कर लेती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो मैं आपको सबसे पहले ये मिक्स कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या क्या करना है। तो यहाँ पे तेल और घी में बन रहा है खाना, वैसे वो कुछ ज़्यादा ही लाल हो रही है भाई साहब। प्याज जल्दी से अपना चिकन जो बनाया है वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह वाला मतलब मेरे कपड़े से तेल उड़ गया, वाओ वाओ वाओ, और मैं थोड़ी सी जल भी गई। खाना तो मैं वैसे अच्छा ही बना लेती हूँ, तेल नहीं है ज़्यादातर घी डाला है मैंने इसमें। इसको अच्छे से खिला लेंगे, मेरे जैसा खाना कोई बना भी सकता है या कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसा एंटिक एंटिक खाना। चलिए इसे ना हम धीमी आंच पे पकने देंगे। घी ज़्यादा है तेल कम है भाई साहब, जो भी खाए वो डरना मत। तकरीबन 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये सारा घी है, घी घी का कम, और ये सब आटा है मैं ऐसी ही हूँ। अभी इसमें चीज भी आएगा यार, इतना अच्छा खाना तो कौन बना के खिलाता होगा, मेरी तारीफ करनी तो बनती है, सगे वाले करते नहीं है वेट इसको टेस्ट करें कि आज जल गया, एक हाथ से वीडियो तो कोई, इसको मैं है ना टेस्ट करके आपको बताती हूँ। वेट वेट, फिर इसमें अंडा डालेंगे हम, फिर इसमें ऊपर चीज भी डालेंगे।
का हाल कुछ ऐसा किया है मैंने, ये देख सकते हो कुछ ऐसा। अब इसको साफ करने में कितने घंटे लगेंगे। तो यस, इट्स घोटाला चिकन, अंडा चिकन सॉरी। तो आप बन कर सकते हो इसको फ्रेंड्स, एंड आप एंजॉय कर सकते हो विथ रोटी पाव एंड एनीथिंग। जिस हिसाब से खाना बनाया जाता है उसको सल्यूट है, क्योंकि इतना पसीना होता है ना, गर्मी ठंडी का मौसम आने वाला है फिर भी ये पसीना पसीना। एंड मेहंदी भी चली गई, इतना काम किया है ना मैंने, फिर भी मम्मी क्या बोलते, कुछ काम नहीं करती है।